आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज, बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम। सम्राट अशोक के बाद भारत में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के समय में बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण हुआ। देश के नगरों महानगरों में बुद्ध विहार बनने लगे। समता बंधुता का आलाप जपने वाले हिंदू साधु हिंदू धर्म का चोला उतार कर बौद्ध धर्म का चीवर पहनने लगे। ये घूम घूम कर तथागत गौतम बुद्ध तथा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार करने लगे। गांव देहात के दलित अपनी रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। सरकारी छोटी मोटी नौकरी के अलावा मिल कारखानों में लग रहे थे। वे दिल्ली के फुटपाथों पर फल सब्जियां बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। तथागत बुद्ध व बाबा साहेब की शिक्षाओं को ग्रहण करके आगे बढ़ रहे थे। यही लोग तथागत बुद्ध एवं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का प्रचार प्रसार गीत व संगीत से करने लगे थे। सामाजिक संगठनों की एक बाढ़ सी आने लगी। संगठनों के माध्यम से या अपने निजी स्तर पर बाबा साहेब के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पत्र पत्रिकाएं भी निकालनी प्रारंभ की। धार्मिक क्षेत्र में बाबा साहेब का बनाया संगठन भारतीय बौद्ध महासभा ही देश में एकमात्र संगठन था। दिल्ली प्रदेश की इकाई ने 1971 में पत्रिका प्रकाशित करने की योजना बनाई। उस समय भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मोहनलाल गौतम तथा महासचिव सिद्ध गोपाल सागर हुआ करते थे। पत्रिका जनवरी 1976 में बिना रजिस्ट्रेशन के प्रकाशित की। 1979 में पत्रिका को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। पत्रिका का नाम धम्म दर्पण सिद्ध गोपाल सागर का दिया हुआ है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अंधविश्वास, रूढ़िवाद के अलावा राष्ट्रीय एकता व अखंडता आदि पहलू पत्रिका के उद्देश्य हुआ करते थे। पत्रिका के पृष्ठ घटते बढ़ते रहे। पत्रिका का सुंदर क्लेवर शांति स्वरूप शांत करते रहे। बाद में यही शांत से बौद्ध हो गए। अंक 124 का मुझे अवलोकन करने का अवसर मिला। टाइटल के ऊपर हिंदी में बौद्ध आंदोलन की प्रतिनिधि पत्रिका लिखा है। टाइटल के नीचे अंक 124 जुलाई सितंबर 2007 लिखा है। दाही तरफ तथागत बुद्ध का चित्र है। बाहीं तरफ छोटे से वृत्त में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी के चित्र के साथ कुछ अन्य लोगों के चित्र भी अंकित हैं। कुल मिलाकर पत्रिका का कवर पृष्ठ बहुत ही आकर्षक है। आवरण सज्जा शांति कला निकेतन द्वारा प्रस्तुत है। दूसरे पृष्ठ पर बाहीं तरफ बुद्ध के उपदेश तथा दाहीं तरफ बाबा के संदेश चित्र के साथ छपे हैं। तीसरा पृष्ठ अनुक्रमणिका का है। पांचवें पृष्ठ पर स्वरूप चंद बौद्ध ने संपादकीय लिखा है। संपादकीय का मुख्य स्वर उत्तर प्रदेश में निजी प्रतिष्ठान में आरक्षण रहा है। प्रोफेसर तारा राम का आलेख भारतीय चिकित्सा विज्ञान के विकास में बौद्ध गुरुओं का अवदान नाम से लिखा गया एक महत्वपूर्ण आलेख है। उदयवीर सिंह बौद्ध की कहानी व सीताराम सहयोगी की कविता भी इसी अंक में पढ़ी जा सकती है। अप्रैल 1978 से धम्म संदेश टूंडला आगरा से प्रकाशित होनी शुरू हुई। यह पत्रिका भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश शाखा टूंडला आगरा का मुख्य पत्र था। पत्र के शीर्षक की बाहीं तरफ भारतीय बौद्ध महासभा का मोनो छापा जाता था। पत्र का शीर्षक कलात्मक होता था। अंक 17 पर कार्यवाहक संपादक के रूप में हिमांशु राय का नाम भी छपा मिलता है। सत्यश चौधरी का आलेख धम्म और धर्म पर केंद्रित है। इनका कहना है कि धर्म व्यक्तिगत है और व्यक्ति को इसे स्वयं तक सीमित रखना चाहिए, जबकि धम्म के लिए आवश्यक ही नहीं, जबकि धम्म सामाजिक है। मौलिक रूप से सामाजिक धम्म के लिए आवश्यक ही नहीं, धम्म का अभिन्न अंग भी है।
दोनों को एक दूसरे से अलग करने पर दोनों अस्तित्व विहीन हो सकती हैं। बौद्धों तथा नव बौद्धों को गुजरात में अनुसूचित जाति के समान सुविधा मिलने पर पत्र लिखता है कि गुजरात सरकार के मजदूर समाज आदि जाति कल्याण विभाग ने पत्र संख्या SC 1237-32-67-89-6.79 सेक्रेटरिएट गांधीनगर के अनुसार शैक्षणिक व आर्थिक आदि सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसका श्रेय गुजरात राज्य भारतीय बौद्ध महासभा की अध्यक्ष प्रोफेसर पीजी ज्योतिकर को मिलता है। उनकी बुद्धिमत्ता, व्यवहार नीति और कार्य कुशलता तथा कार्यकर्ताओं के संघर्ष तथा रिपब्लिकन पक्ष के योगदान के कारण ही यह सफलता मिली है। अंबेडकर मिशन पत्र का पिछले 20 वर्षों से बुद्ध शरण हंस के संपादन में चित कोहरा पटना से निरंतर प्रकाशित हो रही है। पत्रिका अंबेडकर मिशन नामक संस्था का मुख्य पत्र है। पत्रिका 28 पृष्ठों की है। तथागत बुद्ध एवं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचार के लिए समर्पित है। अप्रैल 2012 की संपादकीय कई पहलुओं पर आधारित है। शिक्षा व रोजगार की बातें करते हुए संपादक लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा और रोजगार में बेहतर नहीं है। सूबे की जनता की बदहाली का यही कारण है, शिक्षा और रोजगार की कमी। निश्चित रूप से गांवों में स्कूलों की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ शिक्षण व्यवस्था की। श्री रतन बौद्ध महासंघ की त्रैमासिक पत्रिका बुद्धयान हिंदी व मराठी भाषा में धम्मचारी लोक मित्र के संपादन में नागपुर से जनवरी 1995 से निरंतर प्रकाशित हो रही है। पत्रिका 40 पृष्ठों की है। जुलाई सितंबर 2012 के अंक की संपादकीय प्रज्ञा पर आधारित है। संपादकीय में धम्मचारी नाग केतु लिखते हैं कि प्रज्ञा के प्रकाश से ही हम ज्ञानी होते हैं। प्रज्ञा, सत्य दर्शन व सम्यक दृष्टि हमें विकसित करना होता है। वह जन्म होते ही हमें प्राप्त नहीं होती। यदि हमारे मन में संकीर्ण मर्यादित अपरिपक्व संस्कार हुए हों तो आंखें खोकर भी पढ़ा नहीं जा सकता। समान परिस्थिति प्रज्ञा के अभाव से हम पर आती है। यदि हम अंत का और आलस से लिप्त होगा तो उसका विकास असंभव है। अर्गेन संरक्षित के विचार पत्रिका के 7 पृष्ठ पर अस्तित्व का सत्य दर्शन प्रज्ञा नाम से प्रकाशित है। इससे पहले संपादक महोदय ने अग्देन संरक्षित के विचार प्रज्ञा नाम से पृष्ठ 3-6 पर दिए हैं। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि प्रज्ञा पर एक अच्छी खासी चर्चा अग्रेन संरक्षित द्वारा 15 पृष्ठों में की गई है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचार स्वयं को सुधारे बिना आप औरों को क्या सिखाएंगे। करुणा की आवश्यकता के रूप में पत्रिका के 25 से 28 पृष्ठों पर पढ़े जा सकते हैं। पत्रिका में विचार के अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित कार्यक्रमों की सूचनाएं भी प्रकाशित होती रही हैं। पत्रिका सिंहनाद पब्लिकेशंस नागपुर से प्रकाशित हो रही है। त्रैमासिक पत्रिका मैत्री टाइम्स अक्टूबर 2006 से हिंदी अंग्रेजी भाषाओं में दिल्ली से प्रकाशित होती है। पत्रिका में मुख्य संरक्षक के रूप में भिक्खू डॉक्टर सत्यपाल का तथा संपादक के रूप में गायत्री का नाम छपता है। पत्रिका 48 पृष्ठों की है। पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर तथागत बुद्ध या बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र प्रमुखता से छपता रहा है। पत्रिका के मुख्य लेखक डॉक्टर DBS सेहरा व आचार्य जुगल किशोर बौद्ध रहे हैं। पत्रिका का 38 पृष्ठ सामान्य ज्ञान दर्पण नाम से कालम दीप कुमार आनंद लखनऊ का है। कालम युवा पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी है। सामान्य ज्ञान भी बौद्ध धर्म पर आधारित है। पत्रिका में वैचारिक लेखों के अलावा कुछ कार्यक्रमों की रपट भी पढ़ी जा सकती हैं। अंक 25 के पृष्ठ 21 पर मंजू सिंह की कविता संघर्ष बहुत प्रेरणादायक है। पत्रिका में शोधात्मक दृष्टि का ही नहीं बल्कि पत्रकारिता का भी अभाव है।
अरुण कुमार मौर्य द्वारा खरकौजी इलाहाबाद तथा वाराणसी उत्तर प्रदेश से हिंदी मासिक समाचार बुधवाणी जुलाई 2008 से प्रकाशित है। शीर्षक के ऊपर दो पंक्ति हैं। प्रथम पंक्ति में 563 लिखा है तथा दूसरी पंक्ति में विश्व शांति एवं मानव कल्याण हेतु लिखा है। शीर्षक के नीचे समता मूलक बौद्धिक एवं ज्ञानवर्धक मासिक पत्रिका लिखा है। शीर्षक के बाहीं तरफ तथागत बुद्ध का चित्र ध्यान मुद्रा में तथा शीर्षक के दाहीं तरफ अंडाकार आकृति में राष्ट्रीय मुद्रा पर प्रकाशित होने वाला चित्र पत्र 4 पृष्ठ का है। अप्रैल 2009 का अंक महामानव जयंती विशेषांक के नाम से प्रकाशित है। संपादकीय के रूप में संपादक लिखते हैं कि आज के शोलों पर बैठा इंसान कैसे सुख की नींद सोता है, कैसे खिलखिलाकर हंसता है, पल भर ठहर कर सोचे भौतिक विरासिकता की चाह में मनुष्य अपनी शांति खोता जा रहा है। आज पूरे विश्व में इंसानियत और मानवता करहा रही है। सर्वत्र आतंकवाद, उग्रवाद और विषमता का बोलबाला है। मनुष्य ही मनुष्य का खून पीने के लिए बेताब है। इसके आगे संपादक लिखते हैं कि मनुष्य के दुख का मूल कारण अज्ञानता और तृष्णा को कम करके हम दुख से मुक्त होने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। समाज का योग ही राष्ट्र है और राष्ट्र का समूह ही संसार है। एक व्यक्ति के सुधार से समाज का सुधार होगा और समाज के सुधार से विश्व में शांति आ जाती है। मनुष्य हैवान बनने की जगह इंसान बन जाएगा। धम्मदेशना गीता साक्य के संपादन में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से मई 2011 से निरंतर प्रकाशित हो रही है। अंक 7 की संपादकीय में गीता साक्य लिखती हैं कि पाली ही बुद्ध वचन का दर्पण है। जिस प्रकार दर्पण में चेहरा वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि असली में होता है, उसी प्रकार पाली में जो त्रिपिटक लिखा है वह असली बुद्ध वचन है। गीता की बात एकदम सही है, पर त्रिपिटक पढ़कर भी मनुष्य स्थिर नहीं बन सका। वह भी गिरगिट की तरह अपने को बदलता रहा। भटकाऊ व लटकाऊ के क्षेत्र में बौद्ध भिक्षु भी पीछे नहीं रहे। पत्रिका के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए उक्त अंक में संपादकीय लिखता है कि हमारा उद्देश्य आप तक बुद्ध जगत की हर हलचल को पहुंचाना है, चाहे वह वर्तमान की हो या भूतकाल की, चाहे वह धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक हो या भौगोलिक। कहाँ कहाँ भगवान बुद्ध गए, कहाँ कहाँ कौन कौन सा उपदेश दिया, यह सब आपको पता लगता रहेगा। इस पत्रिका के माध्यम से जो हमारी प्राचीन धरोहर है, जब हम उसे जानते ही नहीं तो इसकी देखभाल कैसे करेंगे। हमारी प्राचीन धरोहरें हैं स्तूप, बुद्ध विहार, चैत्य, प्रतीक चिन्ह। बहुत से ऐसे टीले हैं जिनकी पहचान बुद्ध स्तूपों और विहारों के रूप में होती रहती है, मगर हम उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या यह जानकारी का अभाव है या आस्था की कमी? जानकारी और आस्था, इन दोनों कमियों को पूरा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जितने देश में बौद्ध हैं उस हिसाब से पत्रिकाएं बहुत कम हैं, पर जितनी हैं उतनी बहुत सार्थक।